हर सच्चे तख्त रचाया सत संगत मेला नानक निरपौ निरंकार विच सिद्धां केला गुरसिमर मनाई कालका खंडे की वेला वाहु वाहु गोविंद सिंह आपे गुरचेला खालसा पंथ दे महान प्रगट अस्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब दुनिया दे विच वास्ते हर गुरु नानक नाम लेवा सिख दी इह दिली तमन्ना हुंदी है कि इस महान अस्थान दे दर्शन दीदारे कीते जाण जिस महान धरती ते ये महान तख्त सुभायमान है आनंदपुर साहब की उस महान धरती नू खालसा पंथ का घर भी कहा जाता है। साड़ी अज्ज दी इस खास पेशकश दे विच असी तुहानू तख्त श्री केसगढ़ साहब की महान मर्यादा के दर्शन दीदारे करावांगे ते साडे नाल अज्ज दी इस खास पेशकश दे विच मौजूद ने सिंह साहिब ज्ञानी चरणजीत सिंह जी। ज्ञानी जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी भाई साहब जी, ये बहुत वड्डा उद्यम उपराला किया गया। हर गुरु के सिख का यह यतन हुंदा है कि वह अपने जिहड़े अस्थान ने तख्त साहिबान ने उन्होंने नाल रूह करके मन करके शरीर करके जुड़े, पर कई सारिया संगतां जिन्हों दर्शन नहीं कर पाउंदियां देशों विच बैठिया विदेशों विच बैठिया उन्हों का दिल करता हुंदा कि असी तख्त साहब पहुँचीए उत्थे जाके अमृत वेले के दर्शन करिए जिस तरीके दे नाल कवाड़ खुलते हैं जो उत्थे दी मर्यादा है। सो ये मेरा ख्याल है भी टीवी चैनल के उत्ते बहुत वड्डा उद्यम किया गया, पहली बार है जो तख्त साहब तख्त श्री केसगढ़ साहिब जो खालसे की प्रगट भूमि जन्म स्थान है ऐसे पावन स्थान की मर्यादा का जो उद्यम किया गया। हर रोज की मर्यादा के अनुसार करीब 1:30 बजे तख्त साहब जी के पावन स्थान के कवाड़ खुल जाते हैं। उस तो बाद अंदर जाके सेवा की जाती है, इशनान की सेवा होंगी है, शस्त्रां की सजाउण की सेवा होंगी है, मर्द प्रकाश की होंगी है, आसा की वार दे कीर्तन की होंगी है, नगारे बजते अरदासा होंदियां चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग तल वो सारे आपां दर्शन करांगे। सो सारी संगत नू तख्त साहिब श्री केसगढ़ साहिब के दर्शन दीदारे करो और नालों नाल गुरु साहिब जी के परोपकारां नू याद करो। संगतां जी हुण उड़ीक कर रही ने कि जिस वेले अंदरों सेवादार आउणगे महाराज जी दे पावन तख्त दे दरवाजे खुलणगे ते फिर सारियां संगतां सिमरन करदियां गुरु दे गुण गाउंदियां अंदर आपां सारे चलांगे आपां ने दर्शन करने। अमृत वेले गुरु साहब जी के पावन स्थानां दे सेवावां करन दे लई संगतां पहुँच चुकियां ने। सो बहुत सारियां संगतां गुरु साहब के पावन दरबार दे विच पहले ही हाजिर हुंदियां ने और अरदासां बेनतियां करदियां ने। दर मादे ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दी जाए खोल के वाड़। सो महाराज कलगीधर दशमेश पिता जी के पावन पवित्र स्थान तख्त श्री केसगढ़ साहब जी के किवाड़ हर रोज़ की मर्यादा के अनुसार खुल चुके हैं, गुरु कियां संगतां आ गई ने। सो आपां हुण आओ गुरु साहब के पावन स्थानां दीआं जिवें हर रोज़ मर्यादा अनुसार सेवावां हुंदियां ने आपां सारिआं ने घरें बैठे नाले ते गुरु साहब तो बलिहारे जाणा नाले गुरु साहब के पावन स्थानां दे दर्शन उन्हां दी मर्यादा बारे जाणू होना है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी ये निशान साहब है जो दूर दुराडे तो आवाज़ा मार के दसदा है कि खालसे का घर श्री आनंदपुर साहब इतने सुशोभित है। तो ये निशान साहब गुरु कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह जी का जो खालसे पंथ नूं बख्शिश किया है ये लहरा रहा है जो जुगा जुगा तक इस तरह ही खालसे की चढ़ती कला का प्रतीक। कृपा
तख्त श्री केसगढ़ साहब की दर्शनी ड्योड़ी चों प्रवेश करके असी मुख द्वार के सामने पहुँच चुके हाँ। तो वड्डी गिणती दे विच संगतां भी आउणियां शुरू हो गई ने। सतनाम वाहिगुरु का जाप किया जा रहा है। ज्ञानी जी रोज़ाना इसी तरह संगतां वड्डी गिणती दे विच महान तख्त जिहड़ा इशनान की सेवा चाहुंदियां ने। भाई साहब जी अमृत वेला तख्त साहब के दर्शन खालसे पंथ के महान स्थान के दर्शन करने के लिए संगतां बड़ी उत्सुकता दे नाल हर रोज़ ही आउंदियां ने। कई गुरु के सिख ऐसे भी है संगत जी जिहड़े कई कई सालों तो अपनी किसी रिश्तेदारी च दूर नहीं गए जिथे साड़ी रात लग जाए। जे कितें उन्हें जाना भी हुंदा तो मुड़ के आ जाते शामां नूं अपने घर के अमृत वेला ना छुट जाए। कई कई सालों तो गुरु क्या संगतां रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के वो कलगीधर महाराज दे इस पावन स्थान के दर्शनां नूं आउंदियां ने। वड्डी गिणती विच संगतां जुड़ जांदियां ने। ये बड़भागी है, बाणी भी कहिंदी है कि वह गुरु के सिख ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਉਹ ਵਡਭਾਗਿਆ। ਫਰੀਦਾ ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਨੈਣ ਨਿੰਦਰਾ ਵਲੇ ਤਿੰਨਾ ਮਿਰਨ ਖੁਆਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਸੋ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਸਤਰ ਮਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਸਤਰ ਮਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਸਤਰ ਮਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਸਤਰ ਮਰੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਉਸ ਸੁਹਾਵਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ, ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਦੀ ਐਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
सन 1699 की विसाखी नू खालसे पंथ की साजना की है। पंज प्यारे साजे हैं, अमृत की दात बख्शिश की है। यो पावन स्थान है, अंदर तुसी दर्शन कर रहे थड़ा साहब दे। इहदी सेवा सिंह साहिबाना वल्लों हो रही है। सेवा तो बाद इस पावन स्थान के उत्ते गुरु कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह जी, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी और होर उन्होंने सिंह सूरमियां के पावन शस्त्रां के दर्शन आप करांगे। इस पावन स्थान उत्ते शस्त्र साज जाणगे। ये सतसंग जी संगत है, क्योंकि अंदर सिंह रहत वहत वाले ही अंदर जा सकते हैं। तख्त साहब के पावन स्थान के उत्ते जो रहत मर्यादा अनुसार है, बार गुरु की संगत जो हर रोज़ नेम अनुसार आउंदी है, वो अमृत वेले की सेवा दे लई पालकी साहब की सेवा कर रही संगत, बारली सेवा बड़े चा दे नाल संगत कर रही। आप जी इस तरह ही देखो, सतनाम वाहगुरु के सिमरन की धुनी चल रही है, नालों नाल गुरु के प्यार वाले सिख श्रद्धा के नाल सेवा कर रहे हैं जी। ये हुण वो पालकी साहब है जिस दे उत्ते तुहानूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश किया जाएगा। बड़े प्रेम के नाल पालकी साहब जी हर रोज़, ये नहीं कि अज, हर रोज़ ही इस तरीके दे नाल सफाई की जाती है, फिर हर रोज़ झाड़ के चंगे तरीके दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का जो गदेला है, आसन है, उन्हों उस तरीके नाल विछाया जाता है। सिंह बड़े प्रेम दे नाल सेवा कर रहे, ध्यान रखा जाता है भी कोई विच चीज़ ना होवे, कीड़ी ना होवे, कोई ठंडा ना होवे, कोई गिला ना होवे, कोई गंदा ना होवे, सुके वस्त्रां दे नाल वधिया तरीके नाल सेवा की जाती है। अंदर की सेवा तख्त साहब के सिंह साहिबाना वालों हो चुकी है। ये नहीं कि कृपा के सदे हम हैं, ये नहीं कि कृपा के सदे हम हैं, हम हैं, ये नहीं कि कृपा के सदे हम हैं। अंदर की सेवा सिंह साहिबान कर रहे हैं, तख्त साहिब जी के पांच प्यारे साहिबान, ग्रंथी साहिबान, तख्त साहब जी के सेवादार साहिबान, आप जी दर्शन कर रहे हो। पहला सच्चे जल दे नाल सेवा हो गई है, हुण सुके तौलियां दे नाल इस तरीके दे नाल सेवा की जाएगी। सारी संगत किन्ने चा प्रेम दे नाल आपां दर्शन कर रहे हैं कि किस तरीके संगतां पहले ही आके बैठ जांदियां दरबार दे विच, बाणी पढ़दियां, सिमरन करदियां। ये सेवा है संगत दी, सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित ला। ये गुरु की रूटीन वाली संगत सतसंग जी जो हर रोज़ ही प्रेम भावना के नाल आउंदियां ने, असी अंदर दे आनंद नूं देख रहे हैं, नज़ारे दे दर्शन कर रहे हैं। और नालों नाल आपां दर्शन कर लईए, महाराज जी की पालकी साहिबान भी तैयार हो गई है, जिहदे विच सही तरीके दे नाल उपर चंदूआ साहब लाया जा रहा है सत्कार जो भाई साहब के वलों, क्योंकि हर रोज़ चंदूआ बदलिया जाता है। तो थले भी महाराज जी के प्रकाश के लिए पालकी साहब तैयार है। ये भी ध्यान रखा जाता कि पालकी साहब के जोड़े पैर ने थले ना लगन, ता कि जिते जूठे पैर लगते हैं वो ना। पालकी साहब एक विशेष साढ़े को बनी हुई है, थान वो रख के पालकी रखा जाता है, पूरी सुचमता दे नाल सेवा की जाती सत्संग, ता कि जिहड़ा पानी जल है जिहड़ा ये भी पालकी दे नाल ना लगे, टच ना करे। ये बड़े तरीके दे नाल सारी सेवा गुरु की संगत करदी है। ये जो आप जी दर्शन कर रहे हो संगत जी, ये पल झट दी वेले की सेवा ही है, थोड़े समय के सेवा हो जानी है। ये नहीं कि बहुत लंबा समय, थोड़े समय के सेवा हर रोज़ के तरीके दे नाल संगतां नूं पता वो हो जानी। अंदर तंबू साहब की तैयारी हो रही है, आप जी वो भी दर्शन करो। सैड के उत्ते तंबू के नाल बिल्कुल परले पासे जो तुसीं दर्शन कर सकते हो, वो पालकी बनी हुई है जिहदे उत्ते गुरु जी के पावन शस्त्र सजाए जाणगे। पहलां तंबू साहब के अंदर सेवा होएगी, उस तो बाद फिर थड़ा साहब नूं सजाया जाएगा, फिर उत्ते
रख के वो जो पालकी साहब है उन्होंने एन सजावट शुद्धता के नाल रखा जाएगा। उस तो बाद सतसंग जी फिर महाराज के प्रकाश होंगे शस्त्र आ जाएंगे आप दर्शन करेंगे। अग्योग करे इन्हीं के प्रसाद असी परिक्रमा कर रहे हैं इस पावन स्थान दे जिन्हों खालसा पंथ का प्रगट स्थान कहा जाता है तख्त श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब जी दे इन्हीं की कृपा सारिया संगतां ने आपो अपनी सेवा करी जानी होंगी है नालों नाल अपना वाहिगुरु का सिमरन करते जाते हैं। पीर बुद्धू शाह वाला कंघा भी पालकी दे विच सुभायमान है आप भी दर्शन कर सकते हो। जो गुरु कलगीधर महाराज ने जो पौंटा साहब के अस्थान उत्ते जो पंघाणी की पहली जंग हुई है उहदे विच पीर बुद्धू शाह नूं बख्शिश होया सन के सी पालकी दे विच सुभायमान है दर्शन कर लो नालों नाल पावन शस्त्र आउणगे जदों उहनां दे भी आपां दर्शन करांगे। के सजे हम हैं ये नहीं की कृपा के सजे हम हैं। तंबू साहब के अंदर दर्शन कर रहे हैं तंबू साहब के अंदर महाराज जी के शस्त्र सजाने के लिए जो अंदर पलंग बनया होया है कीड़ा साहब उन्हों सही तरीके दे नाल सिंह साहिबाना ने थड़ा साहब के उत्ते सजा दिता है। सेवा होंगी बड़े प्रेम श्रद्धा नाल आप जी वेख रहे हो संगतां दे विच उत्साह कैसी भावना गुरु साहब के प्रति अज भी है और ये प्रेम भावना बने ही रहना जुगो जुग अटल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का प्रकाश भी होना है और गुरु कलगीधर महाराज जी का पावन स्थान बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का यह पावन पवित्र स्थान बख्शिशा रहमतां भरिया स्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी के दर्शन दिदारे आप जी कर रहे हो। अंदर दिया हर रोज़ की मर्यादा अनुसार रूटीन दिया जो हुंदियां सेवावां हन वो भी आप जी नालों नाल दर्शन दिदारे कर रहे हो। आप जी वेख रहे हो कि कई इस सेवा दे विच बजुर्ग भी आ संगत जी जिन्हां नूं तुरना भी औखा है बैठना भी औखा है पर फिर भी वह भावना अनुसार हर रोज़ सेवा करते। कई ऐसे गुरमुख है जिन्हों परिवार के जी लैके आए हैं पर उन्होंने तो रह नहीं होंगे सेवा देना ऐसे उन्होंने अंदर सेवा की खिच है दर्शन की खिच है। संगत जी आप हूँ चंदोए साहब के दर्शन करांगे जो हर रोज़ महाराज जी का चंदोआ सजाया जाता है ये बार भी चंदोआ इस तरह ही गुरु ग्रंथ साहब जी के उत्ते और अंदर भी जो अंदर महाराज जी के तंबू साहब है उदे विच भी शस्त्रां उत्ते भी चंदोआ और हर रोज़ चंदोआ सुचा चंदोआ सही तरीके दे नाल सेवा भावना दे नाल सजाया जाता है बदलिया जाता है उस तरीके दे नाल मिले गुरमाले साहिबान महाराज जी की सेवा दे विच सजाए जाते हैं। आप हुण अंदर दे तंबू साहब के चंदोए के भी दर्शन करते जिस तरह का उतला चुन अंदरला चुंदू आ उस तरह का बारला उस तरह की सारी रुमाले ताकि जिहड़ी संगत है क्योंकि शाही शहनशाह कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का दरबार है जदों कोई एक आम इंसान भी वस्त्र पाँदा है वो ध्यान रखता है कि वस्त्र सारे इको जे होन सुंदर होन देखने वालों में शोभा पावे तो ये तो दीन दुनिया के मालक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का दरबार है तो ये ध्यान रखा जाता है हर रोज़ सुचियां चादर आप जी दर्शन कर रहे हो धोतिया हुई
प्रेस हुई वधिया तरीके संगत सेवावां हर रोज की तरह कर दियां ने। महाराज जी के प्रकाश पालकी साहब के हेठ जो तख्त को छाया जाता है वो भी आप जी दर्शन कर रहे हैं। इसके उत्ते फिर सही तरीके दे नाल चादर बिछा दती जाएगियाँ। इस तो बाद फिर महाराज जी की पालकी साहब आएगी ताकि महाराज जी का प्रकाश है जोड़ा उच्चा रहे। संगत जी आप जी दर्शन कर रहे हूँ अंदर की सेवा विछाई की हो रही है। ये वो तख्त पोश है जो महाराज जी के पालकी के हेठा सजाया जाता है। इस दे उत्ते महाराज जी की पालकी आएगी उत्थे फिर प्रकाश होगा। अंदर तंबू साहब के अंदर जो पीड़ा साहब है वो सजावट हो रही है। उस जगह के उत्ते गुरु कलगीधर महाराज जी के गुरु तेग बहादुर साहब जी के गुरु हरगोबिंद साहब जी के गुरु के सिंह साहबाना के पावन शस्त्र आने सजाए जाएंगे। आप उन्होंने भी दर्शन करेंगे। इन्हीं की कृपा हुन ताम भरे हाँ जी संगत जी हुन महाराज जी की पालकी साहब की तैयारी हो चुकी है। गुरमाले साहब सही तरीके दे नाल लग चुके हैं। अंदर की विछाई भी हो चुकी है। संगतां दे वल्लों पूरी तैयारी है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के आने दीआं संगतां उड़ीकां कर रही ने। आपां दर्शन करांगे किस तरह महाराज सच्चे पातशाह जी अपने पावन सचखंड साहब वाले अस्थान तो सुखासन अस्थान तो चल के आउणगे ते आपां नूं सारिआं नूं सतगुरु जी के दर्शन होणगे। अज का जो पावन श्री हुक्मनामा साहिब मुख वाक आएगा आप सारिया ने बड़ी श्रद्धा भावना के नाल सरवण करना है और नालों नाल गुरु साहब के पावन शस्त्र जो आने उन्होंने भी दर्शन करने हैं। इधरले पासे गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होएगा नितनेम होन लग जाएगा बाद विच। उस तो बाद फिर दूसरे पासे जिथे बाजे पए हैं हारमोनीयम इत्थे पावन वाणी आसा की वार का कीर्तन कीर्तनीय सिंह आरंभ कर देंगे और परले पासे आप जी देख रहे हो सचखंड वाले पासे सिंह साहिबान अंदर प्रवेश कर चुके हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की सेवा दे लई हाजिर हो चुके हैं। अंदरों धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप आउणगे आपां दर्शन करांगे। संगत जी अंदर अरदास हो चुकी है। महाराज जी के पावन शास्त्र आ रहे हैं और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का प्रकाश होने के लिए पूरी तैयारी है। संगतां दीदार कर रही है। गुरु ग्रंथ साहिब जी नतमस्तक हो रही संगत भाई साहब के सज्जे हाथ के अंदर जिस शास्त्र के दर्शन कर रही हो खंड है जिस नाल कलगीधर जी ने 1699 की विसाखी में अमृत संचार किया। खब्बे हाथ के अंदर कटार साहब है गुरु कलगीधर महाराज जी की। गुरु ग्रंथ साहब जी का एक कल महाराज जी के पावन शास्त्र हैं जिन्हों के आप जी दर्शन करोगे। संगत जी आप जी देख रहे हो गुरु साहब जी के पांच प्यारे साहबान महाराज जी के शस्त्र अंदरले पासे लै गए हैं और गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश बाहर पालकी साहब विच हो गया है। आप जी हुण दर्शन दीदारे करो जी। इन्हीं के प्रसाद दान करे
महाराज जी के शास्त्र आ रहे हैं, गुरु कलगीधर महाराज जी की बंदूक, तोड़ेदार बंदूक जो महाराज जी जंगा युद्धां च वरतदे सन, संदू साहब वाले स्थान उत्ते सुभायमान। पिछले पासे देखो भाई साहब लैके आ रहे गुरु कलगीधर महाराज जी का करपा वर्षा। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का करपा वर्षा है जो सतगुरु जी ने इस करपे वर्षे के नाल त्रिवेणी साहब वाला स्थान गुरु की लाहौर प्रगट किया। इस वर्षे के नाल भाई उदय सिंह ने राजे केसरी चंद का सिर वढ के लिया, इतिहासिक करपा वर्षा है। करपे वर्षे के नाल है सैफ जो हज़रत मुहम्मद साहब के दामाद हज़रत अली दी है, जो बहादुर शाह ने कलगीधर नूं भेट की सी। नाल है दशमेश पिता जी की कटार, नाल है खंडा साहब, नालों नाल गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हो रहा है दर्शन के। भाई विचित्र सिंह जी की नागनी वर्षा जिसके नाल मस्त हाथी का मुकाबला किया सी। वर्षा गुरु कलगीधर महाराज जी का नालों नाल प्रकाश होंदा जांदा है, नालों नाल ही प्रकाश होंदा है और नालों ही शस्त्रां दी सेवा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम सतनाम वाहिगुरु जी सिमरन महाराज जी का प्रकाश हो गया। गुरु जी की पावन ढाल जो जंगा युद्धा च वरतदे, गुरु साहब का सुनहरी चक्कर जिस उत्ते जपजी साहब दी बाई पौड़ियां लिखियां हन, वो भी नालों नाल अंदर सुशोभित हो जाता है। ये अलौकिक नज़ारा है, एक अख दे नाल देखा नहीं जा सकता। सतसंग जी जदों प्रतख दर्शन करांगे असल गल तो उदों ही बनती है, पर फिर भी बहुत वड्डा उद्यम है। ए बी पी सांझा वाली समुची टीम ने किड्डा वड्डा उद्यम किया है जो सारी संगत ने ये दर्शन करवाए हैं। गुरु जी के पावन शस्त्र आ रहे हैं, गुरु कलगीधर महाराज जी का नेजा छपाला और गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का तेगा भी अंदर जा रहा है। सेवा हो रही है, इस समा बड़ा कीमती होंदा है, एक एक मिनट फिर अंदर सेवा हो जाएगी। एक बार हम सजा दो फिर हौली हौली नाले सारे शस्त्रों की सेवा होगी और नाले आपो अपने स्थानों पर टकाए जाएंगे। ये श्री साहब गुरु तेग बहादुर साहब और गुरु कलगीधर महाराज जी दी दो श्री साहबा होर आ गई, गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी दसमोख पिता जी दी, लगभग सारे शास्त्र भी महाराज जी दे आ चुके हैं। तो अंदर सेवा होंगी रहेगी, नालों नाल आप पावन हुक्मनामा एकाग्रता नाल सुनाएंगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम हैं इन्हीं के कृपा के सजे, हम हैं नहीं वो सो गरीब करोड़ परे, नहीं वो सो
अर्जन हर गोविंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई आए जिस डिठे सब दुख जाए एक बहादुर सिमरे करणो निदावे ताए सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुकतिया हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिट कीता जिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जी सिंघणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखिया ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म निहारिया सिखी केसा सुआसा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी इसमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को आप जी ने दर्शन किए हैं तख्त श्री केसगढ़ साहब जी के अमृत वेले के उस अलौकिक नज़ारे दे बहुत सारिया संगत तख्त साहब विखे आउंदियां ने दर्शन दीदारे करदियां ने पर जो अमृत वेले के दर्शन हैं जो सेवावां हैं ये बहुत दुर्लभ हैं क्योंकि संगत दूर दुराडे तो आउंदियां हैं दिन दे विच दर्शन करके चलिया जांदियां ने पर यह बहुत वधिया उपराला किया ए बी पी सांझा की समुची टीम के वलों जो आप सारिया संगतां नूं गुरु साहब जी के पावन स्थानां दे अमृत वेले दे पूरी मर्यादा दे दर्शन कीते हन सो दास वल्लों बेनती होएगी गुजारिश होएगी आप संगतां नूं कि जिंदगी दे विच जदों भी कदे मौका बने समा लगे भावें कि तुहाडियां जिंदगी दे काम धंधे बड़े हुंदे आ रुझेवें बड़े हुंदे आ पर फिर भी जदों भी मौका लगे तो अमृत वेले दे जो डेढ़ बजे ये गुरु साहब जी के पावन किवाड़ खुलते हैं समुचा सेवा होंगी प्रकाश होंगी तो एक बार जरूर दर्शन करके अपने आप को बड़भागी बनाओ जी समूह संगत का धन्यवाद जी जी साढ़े वालों भी ए बी पी सांझा वालों भी समुचिया संगत जिन्हिया भी स्क्रीन पर देख रही ने दर्शन दारे तुम करके हटे हो साडे वालों भी यही अपील है कि बेशक अज साड़ी जिंदगी जी रुझेव्या भरी जरूर हो गई है पर अपनी जिंदगी दे विचों जरूर समा कढ़ के जो ये अमृत वेले की जो सेवा है इस दे विच आपां जरूर हाजरी भरीए तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे नितनेम साहब की जिहड़ी आरंभता हो चुकी है सो हुण सानू भी दिओ आग्या ते तुसीं इसे तरह देश दुनिया दीआं वड्डीआं खबरां लई ए बी पी सांझा दे नाल जुड़े रहो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह सजे